डॉक्टर माला माथुर सह आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन कवियों से संबंधित है उसमें सर्वप्रथम कवि है केशवदास। उनकी रामचंद्रिका के अंश पढ़ने से पहले हम थोड़ी जानकारी उनके बारे में प्राप्त करते हैं। तो केशवदास, आचार्य केशवदास को अनेक विद्वान रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। इसका कारण इनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है। इनके पिता का नाम काशीनाथ था जो कि संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे। केशवदास का संबंध पंडितों के उस परिवार से था जहां दास वर्ग भी संस्कृत भाषा का व्यवहार किया करता था। इनका जन्म भारद्वाज गोत्रीय सनाड्य विप्रवंश में हुआ था। इनके जन्म एवं मृत्यु के समय के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कवि आचार्य केशवदास को ओरछा नरेश महाराजा इंद्रजीत सिंह अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्षिक और छंदमाला। इनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं जिनमें क्रमशः नवरस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में रामकथा का प्रबंधात्मक वर्णन है। रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक है। विज्ञान गीता में प्रत्येक शैली में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है और नक्षिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा का वर्णन हुआ है। आचार्यत्व के समान कवित्व की दृष्टि से भी केशव का अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की है। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका इनके प्रबंध काव्य हैं। मुक्तक काव्यों में रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्षिक ये तीन ग्रंथ हैं। रामचंद्रिका केशव का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित का गान है। इसमें महाकाव्य की शैली अपनाई गई है, किंतु अनेक विद्वान इसके महाकाव्यत्व को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनका कहना है कि इस ग्रंथ में न तो वह कथाक्रम है जो महाकाव्य के लिए अपेक्षित है और न समुचित कथा प्रवाह का ही इसमें सम्यक निर्वाह किया गया है। विभिन्न प्रसंगों को भी कवि ने अपनी रुचि के अनुसार विस्तार और संकोच प्रदान कर दिया है। चरित्र चित्रण और भाषा शैली की दृष्टि से भी यह ग्रंथ अपने आप में अव्यवस्थित है। कथा के बीच मार्मिक स्थलों का निर्वाह जिस तरह से कवि को करना चाहिए वो उसने नहीं किया है और वास्तव में ऐसे ही स्थलों पर सच्चे कवि हृदय की पहचान हुआ करती है। जैसे रामचंद्रिका का कुछ अंश हम उदाहरण के रूप में लेते हैं कि वन पथ पर राम को देखकर जो केशव ने लोगों से ये कहलाया है कि कीधो मुनि शाप हत, कीधो ब्रह्म दोष रत, कीधो को ठग हो, ये संदेह अलंकार के मोह में पढ़कर उन्होंने अपनी हृदयहीनता का परिचय दिया है। इसी प्रकार केशव में अलंकारिक चमत्कार का मोह इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है कि कहीं कहीं पर उन्होंने अत्यंत घटिया उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे राम की वियोग दशा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि बासर की संपत्ति उल्लुक ज्यों न चितवत। तो इस प्रकार अलंकार के मोह में पढ़कर उन्होंने अत्यंत घटिया उपमान का प्रयोग किया है। इसी प्रकार सीता के साथ वन बालाओं का श्लेष अलंकार में बातें करवाना ये भी नितांत असंगत है। शायद इसी कारण कुछ आलोचकों ने उन्हें
कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा है। लेकिन जहां केशव का हृदय रमा है, वहां उनका कवि रूप भी उभर कर आया है। जैसे युद्ध का प्रसंग, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट, श्रृंगार और वीर रस के वर्णन के प्रसंगों में केशव को काफी सफलता मिली है। राजकीय वर्णनों और संवादों की दृष्टि से भी यह काव्य अपने आप में अनूठा है। वस्तुतः रामचंद्रिका केशव का असाधारण महाकाव्य है, जिसमें परंपरा पालन के स्थान पर वैशिष्ट्य सन्निवेश का ध्यान अधिक रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि केशव हिंदी की रीति परंपरा के प्रवर्तक है और उन्होंने हिंदी काव्यधारा को भक्ति पथ से रीति पथ की ओर अग्रसर किया। तो ये हमने केशवदास के बारे में कुछ सामान्य बातें की, ताकि जब हम उनकी रामचंद्रिका के अंश जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, तो आपको केशव की क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, किस प्रकार उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, ये सब आपकी दृष्टि में रहे। धन्यवाद।